नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान सिंह राठौर, आप देख रहे हैं एनटी न्यूज। जैसा कि 26 जनवरी 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, इसी उपलक्ष्य में हमारा एक भारत देश लोकतांत्रिक एवं गणराज्य स्थापित हुआ। फिर भी कुछ ऐसी नशीली वस्तुओं के वजह से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसी कुरीतियों की वजह से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। क्या हमें आवश्यकता है, जैसा भी सर ने बताया कि आज युवाओं को, जो युवा वर्ग है, उसे जागृत करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हमारा भारत देश प्रोग्रेस कर सकता है। इसके साथ ही हमारे भारत देश में जो कुरीतियां हैं उन्हें मिटाया जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में हम जानना चाहेंगे, क्या हमें भी इस चीज से स्वतंत्र रहना चाहिए, कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, व्यवचार को समाप्त करना चाहिए, या इससे अतिरिक्त जो भी नशीली वस्तुएं हैं, या मान लीजिए जैसे दहेज रूपी रावण पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है, क्या इस दहेज रूपी रावण को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्या इस चीज से भी हमें स्वतंत्र होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हम राजेश बहेट जी के माध्यम से जानना चाहेंगे, वो इससे भी जानकारी करें, क्या हमें इससे भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है या नहीं। बने रहिए एनडीसी न्यूज पर। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चल रही है, इंटरनल डेवलपमेंट की बात चल रही है, वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा जो हमारे नुकसानदायक है वो है देश प्रथा। आज यहाँ कुछ हमारे साथ बहने हैं और इनसे जानते हैं कि क्या दहेज प्रथा जो एक कुरीति है वो खत्म होनी चाहिए और खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, बेटे की शादी होती है, माँ बाप पे बोझ पड़ता है, क्योंकि कई अमीर माँ बाप तो जो है बेटे की शादी धूमधाम से कर लेते हैं, मगर गरीब बाप क्या करे, उसको दहेज, उसको कर्जा लेना पड़ता है, उसके बाद भी शादी के बाद भी ये दे दो वो दे दो, पता नहीं क्या क्या और भी चीज़ें चलती है, तो बहुत सारी प्रताड़ना एक बेटी को, बहन को जो है वो सहनी पड़ती है। तो इस चीज़ को अगर हम अपने देश से ख़त्म करने की अगर पहल करते हैं और तो वो एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। तो इसी बारे में चलिए विचार जानते हैं कुछ बहनों के। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रश्मि कुशवाहा। तो रश्मि जी, आपके इस बारे में क्या विचार है, क्या ये जो दहेज प्रथा है इसका खात्मा होना चाहिए, क्या इसका नुकसान हो रहा है हमारे देश में, जो हमारे जो बहन हैं बेटियाँ हैं उनको क्या इसका नुकसान हो रहा है, क्या इसका फ़ायदा है, कुछ क्या है इसका, थोड़ा आप इस पर विचार रखें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायदा है, इसमें बल्कि नुकसान ही है। जब लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है तब भी उन्हें दहेज दिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। जब कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले तो ऐसे ही नहीं पढ़ाते थे कि जब हम लोग अपने बच्चों को दहेज ही देना लड़कियों को, तो पढ़ाने लिखाने पर पैसा क्यों खर्च किया जाए। जब लड़कियों को इस लायक बनाया गया, पढ़ाया लिखाया जाए, तो बिल्कुल दहेज नहीं देना चाहिए। मैं खुद इस लायक हूँ तो फिर मैं क्यों दहेज दूँ, अपने पेरेंट्स को कहूँ कि सामने वाले लड़के को दहेज दें, क्योंकि मैं खुद इतना एबल कर एबिलिटी है मुझमें कमाने की और अपनी फैमिली को हैंडल करने की, संभालने की, तो फिर क्यों। आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर आवर सोसाइटी टू गिव डॉरिटी, सो आई एम अगेंस्ट फॉर इट। बहुत अच्छे विचार है, मगर इसके बावजूद भी क्या है कि समाज में एक प्रेशर डाला जाता है कि नहीं जी, हमारे ही रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे ही जो पूर्वज कह सकते हैं या जैसे भी समझ लीजिए सोसाइटी के द्वारा भी कह सकते हैं, तो ये फिर भी इतना एजुकेशन होने के बाद भी लोग दहेज प्रथा को रोकने के लिए और बढ़ चढ़ के इसमें कर रहे हैं, तो इसको जो है क्या आप सही मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर माँ बाप अपना जो पैसा है वो बच्चे की शादी की जगह उसकी पढ़ाई में लगा दें, तो वो आगे जाके इतना अच्छा कुछ बन सकता है और वो खुद ही इतना अर्न कर सकता है कि उसे दहेज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बेटियों को दहेज की कोई जरूरत नहीं है, बेटी अगर शादियों के किसी घर में जाएंगी तो वो उस घर को अपने आप ही संवार सकती है, तो दहेज प्रथा का खत्म होना चाहिए। ये बिल्कुल भी सभी इसी के लिए खिलाफ है, सभी इसी के, और हमें इस प्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। यस, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने घर को खुद अच्छे से हैंडल कर ही लेंगी, तो फिर क्या ही जरूरत है उन्हें पैसे देने की। तो उसमें अब फिर भी उसके बाद क्या आता है, दहेज दे दिया जाता है, उसके बाद भी उनके जो दहेज देने वालों के मुंह बंद नहीं होते हैं, वो फिर ना कुछ मांगते रहते हैं, तो इस तरह से कैसे एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है कि इस चीज़ को हम लेकर के कैसे इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम, आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा विचार यही है कि जब माँ बाप लड़के को और लड़कियों को बराबर शिक्षा दे रहे हैं, तो जो माँ है उसी ने लड़के को पैदा किया और लड़की को, कि जब लड़की जा रही है तो उसे पैसा क्यों देगी, उतना ही तो सक्षम किया, वही परवरिश दी है, तो मेरे हिसाब से तो दहेज एकदम गलत है। लेकिन भगवान का बहुत अच्छा है कि आगे अब जो समय आ रहा है धीरे धीरे, तो हर फैमिली दहेज ना दे रही है, इवन शादी भी कर रही है, आगे बच्चों को पढ़ा भी रही है, ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ रूरल एरिया या कुछ कह सकते हैं अभी क्षेत्र बाकी हैं जिनमें ये जरूरी है, लेकिन ये लड़कियाँ और आजकल के जो बॉयज हैं आगे जाके वो बड़े होंगे, जब
पति ही साथ देगा कि मम्मी पापा या जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं ये गलत है। तो वाइफ और हस्बैंड की बॉन्ड इतना अच्छा होता है कि ये सब चीजें आगे जाके 100% खत्म हो जाएंगी। मेरा मानना है कि खत्म हो जाएंगी, अभी हुई नहीं है, 50% खत्म हो गई है, लेकिन आगे और होंगी। ये और ये सिर्फ इसी वजह से है कि एजुकेशन दी गई है बच्चों को। हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं, उन्हें सब पता है क्या सही है क्या गलत है। पहले के लोगों की थिंकिंग अलग थी, बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द स्टडी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं, दहेज लेते हैं और जो करते हैं, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम भी किसी की माँ हो, तुम भी बेटी थी, तुम्हारे माँ को कैसे कैसे दर्द सहने होंगे तब जाके तुमने जन्म दिया। जब बेटा और बेटी बराबर है तो दहेज सिर्फ लड़कियाँ क्यों दे, फिर तो हम लड़कों से भी ले सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई पे माँ बाप एक बराबर के स्कूल में देते हैं, एक कपड़ा लेने जा रहे हैं तो वही सेम क्वालिटी का कपड़े लड़कों को दिलाते हैं, लड़की को भी। तो ये कौन सा राइट है कि लड़कियों को ही शादी करने के बाद लड़के वाले दहेज मांगते हैं? हम भी तो मांग सकते हैं। हमारे माँ बाप ने तो कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई ये नहीं किया, भेदभाव किया कि इसको लड़की है तो इसको ऐसे कपड़े पहना दें, लड़के ऐसे नहीं। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, मेरा मानना है। तो नेक्स्ट जनरेशन का जो आज जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनका ये मानना है कि जो पहले से दहेज प्रथा चली आ रही थी उसकी अब किसी को जरूरत नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपने इस नेक्स्ट जनरेशन से ही इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में सबके लिए नुकसानदायक है। तो कैमरामैन जतिन के साथ राजेश, ENDC न्यूज़ से सभी दर्शकों का नमस्कार।